महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई नगर निगम सदन की छठवीं बैठक। बैठक में निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं विचार विमर्श कर सदस्यों ने महापौर प्रभारी नगर आयुक्त और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने वार्डों के छोटे और आवश्यक कार्यों को शीघ्र कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने पार्षदों को अवगत कराया गया कि पिछले 2-3 माह पूर्व सफाई कर्मियों को जो भुगतान किया गया था, वर्तमान में कड़ी जाँच तथा सफाई कार्य में गुणवत्ता लाने का प्रयास किया गया, जिसके अनुसार आधी धनराशि में ही कार्य हो रहा है। यहां तक सफाई कर्मियों की कमी भी बात है। ठेकेदारों को भी सचेत करते हुए कमी को दूर किया जाएगा। कुछ वार्डों में पूर्व में स्वीकृत कार्यों का कार्यादेश जारी होने के बाद भी कार्य नहीं किया जा रहा है, जबकि उस मद धनराशि भी है। ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा संबंधित अवर अभियंता को भी कार्य शीघ्र कराने हेतु कड़े निर्देश दिए। नगर निगम की भूमि का पूर्व में 40 वार्डों का चिन्हीकरण कर लिया गया है, उसके कब्जे के कार्यवाही चल रही है तथा अन्य 30 वार्डों में भी प्रभावी कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दुकानों पर कूड़ा पात्र रखवाया जाएगा। महानगर में डोर टू डोर सफाई व्यवस्था लागू करने में प्रति घर 225 रुपये व्यय करने पर पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित होगी, किंतु इतनी धनराशि प्रति घर से लिया जाना उचित नहीं है, इसलिए 50 रुपये प्रति घर से डोर टू डोर कलेक्शन का लिया जाना प्रस्तावित है, जिसे भविष्य में लागू कर महानगर को स्वच्छ बनाया जाएगा। बैठक में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, नगर आयुक्त पीए नागवंशी, विभिन्न वार्डों के पार्षद और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो बड़ी तादाद में आंदोलन के खड़ा हो जाएगा। चीफ इंजीनियर साहब ने किन परिस्थितियों में आपसे स्थापना का काम निरस्त करवाया, ये चीफ इंजीनियर को सदन को बताना पड़ेगा। मैं बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूँ, तमाम साथी यहाँ मौजूद है, जुलूस का खास लगभग लगभग मुहर्रम और दशहरे में 10 से 12 लाख लोग पैदल चलते हैं, और जो त्यौहार पड़ रहा है अब है वो बरसात के बाद पड़ रहा है। Gracias.
उसी के वजह जो हाजिरी का जो गिरावट आया है उससे अच्छा खासा बचत मिला। यानी मान लीजिए मुश्किल से 2000 कर्मचारी का ही हाजिरी के हिसाब से हम लोग पेमेंट करने के लिए स्थिति पे आया है। इसलिए तो मान लीजिए जो खर्चा कितने हो रहा है उसका आधा हो गया है। हमारा पहले 2 करोड़ का भुगतान हो रहा था, 1 करोड़ में कम कर दिया है। और निश्चित रूप से इसे मॉनिटरिंग भी करा रहा हूँ ताकि शाम को 4 बजे तक यदि हाजिरी जमा नहीं करता सुपरवाइजर का तंका कट जाता है, सख्ती नहीं करेंगे। ताकि तो पहले थोड़ा ये तोड़ने में तो सब बहुत लोगों का कठिनाई हुआ था, उसके बाद अभी स्ट्रीमलाइन करके आ गया। इसलिए जो काम नहीं करता उनका तंका नहीं मिलेगा, भले वो हमारा कर्मचारी हो, भले वो ठेकेदार के कर्मचारी हो, भले किसी रूप में वो कर्मचारी हो, नो वे नो पे, ऐसे ही सिद्धांत के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा चीज़ आप बता रहे हैं जो आपका जो निर्माण काम का जो बजट है उस पर कटौती हो रहा है, ये कतई नहीं होगा, ये बढ़ेगा। मैं ये भी गिनने चाहता हूँ आपका जो पहले जो मैं 2 महीने पहले का पर डे का जो आमदनी का वसूल हुई 1 लाख से 2 लाख के बीच में था, अब 1 महीने इसी महीने 5 लाख से लेकर 10 लाख पर डे वसूली हो रहा है। ये उम्मीद है हमारा लक्ष्य लेके जा रहे हैं कम से कम 20 से 25 लाख रुपये पर डे वसूलेंगे, ताकि यहाँ ऐसे ही दुकानदार हैं 10 साल 15 साल 20 साल से किराए जमा ही नहीं किए, किराए वैसे बहुत मामूली होता है, कहीं 300 रुपये कहीं 500 रुपये, उसको भी 10 साल 20 साल अभी गिनेंगे वो लाख में हो जा रही है। उसी के हम निश्चित रूप से सबको RC काट के दे दिया, वसूली के लिए 2 अलग वाहन प्रोवाइड कर दिया, 2 IAS ऑफिसर को भी इसमें शामिल कर दिया, एक प्रोबेशनर ऑफिसर है, रेजिडियम चोरी चोरा कर दिया, उसका पूरा ध्यान हम लोग वसूली पे लगे हुए हैं। उम्मीद है इस साल वसूली भी अच्छा खासा हो जाएगा। आप कह रहे हैं लायबिलिटी का भी इकट्ठा किया, ताकि पहले जो तमाम वर्ष से लायबिलिटी फैला हुआ जो हम लोगों के ऊपर जो है ना जो लायबिलिटी है, इस साल का नहीं 2 साल का नहीं है, करीब 10 साल से उसका निश्चित रूप से पेमेंट नहीं हुआ है। ठेकेदार भी परेशान है, समय से पेमेंट नहीं होता, उसी की वजह से उन लोगों का विश्वास भी टूट गया। जो ठेकेदार काम करने आता है वो भी बढ़ चढ़ करके बिल देता है, ताकि तो पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो ब्याज सहित आ जाएगा उनके मन में यही चीज़ है। वो तो हम लोग निश्चित रूप से पेमेंट चालू कर देंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे, ये मुसीबत नहीं आएगा। उसी हिसाब से पुराना लायबिलिटी का हमने डेडलाइन फिक्स कर दिया, 25 दिसंबर तक जो कितने बिल किसी भी पटल में पेंडिंग है वो सब इकट्ठा करके हम लोग आ जाएगा। अब तक 20-25 करोड़ का आसपास आ गया है। उसी के अलावा जो पेमेंट नहीं करेंगे जो किसका है वो पूरा निकल के आ जाएगा, उसी के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, उसमें धीरे धीरे पेमेंट भी निकाल देंगे, 1-2 महीने के अंदर पेमेंट पूरा कर देंगे, हम लोग उसी स्थिति पर रहेंगे। और तीसरा फ्रंट है जो आप कह रहे हैं जो आपका जो छोटी छोटी मरम्मत का है, ज़रूर है, छोटी छोटी मरम्मत भी बड़ा परेशान करती है। कहीं मान लीजिए क्रॉस नाली टूट गया है, कहीं रोड का ध्वस्त हो गया है, कहीं बैठ गया है, पानी जमा हो रहा है, उसको तुरंत नगर निगम की जिम्मेदारी होता है, तुरंत 24 घंटे के अंदर जाकर के कोई अधिकारी साफ करना चाहिए था। उसको हम ठेकेदार के भरोसे में नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ क्या है, तकरीबन 80 हमारा बेलदार और कर्मचारी किस काम के लिए लगे हुए हैं वो इधर उधर अटैच है, वो सबको हम चीफ इंजीनियर का अंदर हमने एक टीम बना करके लाया। अभी हम लोग के पास 100 कर्मचारी ऐसे मेस्त्री बेलदार कर्मचारी है, आप जो किस दिन काम गिनेंगे उसी के 1 सप्ताह के अंदर वो काम पूरा करने की क्षमता में। हम लोग हमारा साधन से हमारा खर्च करके छोटे मोटे काम आपको विद इन ए वीक हम करा देंगे, उसको निश्चित रूप से आपके पास सही कह रहे हैं 10 से 12 हमारा कर्मचारी ऑफिसर बैठेंगे, उस पर एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। छोटा छोटा काम आप नोट कराइए, मान लीजिए आज 29 तारीख का नोट कराएंगे, 1 सप्ताह के अंदर सही करा के दीजिए, वो उसी के सिस्टम भी बना रहे हैं। और दूसरा चीज़ आप बता रहे थे विकास के लिए पैसा जो इधर उधर हो रहा है उसको, वो चीज़ मैं बताने चाहता हूँ। अभी जो हर पार्षद का हम लोग ये भी आश्वस्त कर रहा हूँ, 2-2 काम दे दीजिएगा, जो ठोस काम अच्छा काम जो भी है उसका हम लोग 14वीं तौर अवस्थापना में रख के हम ले लेंगे उसको निश्चित रूप से। उसी के अलावा जो भी आप छोटा काम गिनेंगे वो निश्चित रूप से दे दीजिए, वो समय बाध्यता का अंदर 1 सप्ताह के अंदर छोटा छोटा काम हम निपटा देंगे, पहले ये सिस्टम नहीं था, यह हम ना नहीं। और खास तौर पर आप कह रहे थे आपका नाराजगी जाए तो आप सफाई में क्यों ध्यान दे रहे, आप जानते हैं 4 तारीख से सफाई सर्वेक्षण होने वाले पूरे भारत में, उस पर इसी जनपद भी आएगा हम लोग का जो अभी हम लोग प्रयास में अभी तो मुश्किल से 2 महीने प्रयास में यहाँ का सिविल लाइन वार का पुरस्कार भी मिला है, प्रदेश में हम लोग 4th नंबर पे आए हैं, और थोड़ा प्रयास करेंगे गोरखपुर अव्वल आ जाएगा यूपी में, उसका पहल तो करना पड़ेगा। जो देखिए जो साफ सुथरी नहीं होता है शहर उसका छवि अपने आप बिगड़ जाता है, हम लोग इसलिए तो फिर प्रयास कर रहे हैं यार, गोरखपुर में इतने विकास हो रहा जो हो रहा, तब तक साफ सुथरी नहीं होता ये शहर का तो फिर उसका कोई मतलब विकास का कोई फायदा नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोग तो जी जान लग करके इस पर काम कर रहे हैं, इस पर फंडिंग के भी हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं, ताकि यूजर चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, हर घर में हम लोग 50 रुपये निश्चित रूप से लेंगे, ताकि डोर टू डोर कलेक्शन हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। अभी फिलहाल 40 वार्ड में हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन चालू कर पाए, ताकि इसमें कूड़ा बिनने वाले समूह और भी समूह जो कितने लोग उसमें काम करने चाहते हैं उन लोगों को भी शामिल करते हुए हम लोग एक अभियान के तौर से चला रहे हैं।
ताकि वो समूह भी इस पर फायदा उठाएं और डोर टू डोर कलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, तो फिर बाहर में कूड़ा फेंकने की मुसीबत ही नहीं आएगा। हम तब तक डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करेंगे और कूड़ा का अलग अलग सेग्रीगेट करके गीला सूखा कूड़ा अलग नहीं करेंगे, फिर हम लोग डंपयार्ड बढ़ती जाएगा, जगह जगह पर कूड़ा बढ़ाव मिलता है बट निश्चित रूप से उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। एक ही विकल्प है, जो भी प्रदेश में, जो भी देश में, जो भी शहर में सफाई का पहल हुआ है वो डोर टू डोर कलेक्शन से ही शुरुआत हुआ। तब तक डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होता तब तक शोर से सेग्रीगेशन नहीं होगा, अलग अलग सूखा गीला उसके बाद तो निस्तारण करना मुश्किल का। ताकि तो मान लीजिए जो भी सब्जियां हैं उसको तो आप लटका के पॉलीथीन में फेंकेंगे, वो तो हजारों साल पड़ा रहेगा तो सड़ेगा नहीं उसका, तब तक वो अलग अलग नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। उसी के पहल में हम लोग 40 बार फिलहाल शुरू कर दिए उस पर, उसका भी अलग कार्पस बना रहे हैं ताकि ये बोर्ड बंद में कटौती नहीं करेंगे। धीरे धीरे जब यूसर चार्ज के रूप से परिवर्तन होगा, अभी शुरुआत में 50 रुपये पर घर में ले रहे हैं, यदि निश्चित रूप से जनता लोग भी भरोसा अच्छा हो जाएगा फिर उसके बाद उसी के रेट भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, निश्चित उसी कार्पस में ही उसी का सफाई हो जाएगा, बोर्ड बंद से अलग नहीं ये तो मैंने कहा निश्चित रूप से हो जाएगा। हम लोग ध्यान पूरा करूँगा जो 2019 में विकास उस पर हम लोग जलभराव का नाली निकासी पर ध्यान देना चाहते हैं, ये हो जाएगा निश्चित रूप से यहाँ तो साफ सुथरे की व्यवस्था भी बन जाता है यार। यही डेफिनेशन से मेरे यही ये सब तय होना चाहिए और निश्चित तौर से आपको पूरा भरोसा है, आपसे उम्मीदें हैं और कब ये कमीशन बंद हो जाएगा, ये सदन को अवगत करा दिया जाए, क्योंकि वो कत्ल भी करते हैं तो कुछ नहीं होता, आप भी बनते हैं तो हो जाते हैं वरना। वार्ड बताइए, वार्ड नंबर 36। मैंने अगले बार विधायक का प्रश्न नहीं उसको बार दिया, कहाँ हुआ? और सफाई कर्मचारी में आधे लोग आते आधे नहीं आते, वेतन के लिए भी आपने कहा तो वेतन सबके यहाँ वही है, किसी के किसी को वेतन समय से नहीं मिलता है, महिलाएं आती हैं पेट के लिए सब काम करता है, दो महीना तीन तीन महीना रोक दिया जाता है, क्यों आपकी चिंता क्या कर रहे हैं आप, पैसा क्या कर रहे हैं? हम लोग भी समाज में बोलना पड़ता है, मेरी सड़क का क्या, हम लोग आइएगी और देखिए। और रही कूड़ा वाली बात, सबके यहाँ आपने कहा ना कि सबके यहाँ गाड़ी चल रही है वार्डों में नहीं, क्यों आती है? जहाँ चलती है वहाँ सुनने को मिलता है कि फलाने वहाँ काम हो रहा है, आपके यहाँ नहीं हो रहा है। आते हैं कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं, हाँ काम तो एकदम एक नंबर का मेरे यहाँ भी होता है। मतलब अभी कुछ दिनों पहले कार्यकारी संस्था सफाई और सफाई और जब हमारे साथी बंधु जिनके वार्ड को नवीन किया गया, जिनको पुरस्कार दिया गया, हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते थे, उनके पत्रकार वितरण में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम भी लोग खुशी जाहिर कर सकते, लेकिन ऐसा अवसर हमें नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ अपन नगर आयुक्त महोदय से कि क्या ऐसा कारण रहा कि माननीय पार्षदों को